तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, Realme लगभग हर मंथ इंडिया के अंदर एक दो या फिर तीन स्मार्टफोन को लॉन्च करता है। बट दोस्तों नवंबर मंथ में Realme की तरफ से कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है और इसका रीजन हो सकता है फेस्टिवल की वजह से। और दोस्तों Realme अगेन इंडिया के अंदर कमबैक करेगा जो कि काफ़ी धमाकेदार स्मार्टफोन के साथ आएगा। मैं बात कर रहा हूँ Realme 8 सीरीज की, जिसके अंदर आपको Realme 8 और 8 Pro स्मार्टफोन मिल सकते हैं। तो फाइनली मैं बात करने वाला हूँ Realme 8 Pro स्मार्टफोन की फुल डिटेल में, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होगी, सो एंड तक बने रहिए। बट दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो रियर साइड में आपको सेम Realme 7 Pro के जैसा डिजाइन मिलेगा, साथ में क्वाड कैमराज, LED फ्लैश और Realme की ब्रांडिंग मिलेगी। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और ये एक पंचोल डिजाइन के साथ आ सकता है। अगर इसमें आपको अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिले तो ये एक फुल व्यू डिस्प्ले पैनल होगा, और आपको 90Hz हाई रेफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन डिस्प्ले पर मिल जाएगा। कैमरा के बारे में अगर बात करते हैं तो बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेंसर हो सकता है 108 मेगापिक्सल का। इसी के साथ आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिल जाएगा। और फ्रंट में आपको सेल्फी के लिए 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट देखने को मिल सकता है, या फिर इसमें आपको मीडियाटेक की तरफ से कोई 5G चिपसेट भी मिल सकता है। बैटरी के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और 65W का सुपर डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक और टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट भी मिलेगा। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिलेगा, जो कि Realme UI पर रन करेगा। और अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन की प्राइस इंडिया के अंदर अप्रोक्स 25,000 होगी, और ये स्मार्टफोन दिसंबर के लास्ट या जनवरी तक इंडिया में लॉन्च होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।